नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया भर में बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। भारत में हर साल तमाम फिल्में बनाई जाती हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1913 से मानी जाती है। भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। इसमें निर्माता दादा साहब फाल्के थे। उन्होंने 1913 और 1918 के बीच 23 फिल्मों का निर्माण किया। सेंसर बोर्ड के मुताबिक भारत में हर साल करीब 20 से भी ज्यादा भाषाओं में फिल्में बनाई जाती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है इन्हें ये नाम क्यों दिया गया? ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि फिल्मों की तरह ही बॉलीवुड का नाम हॉलीवुड से कॉपी किया गया, लेकिन इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि सिनेब्लिट्स मैगजीन की कॉलमिस्ट बेविंडो कोलैको ने 1976 में सबसे पहले बॉम्बे के लिए बॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल किया। भारत में बॉलीवुड नाम अंग्रेजी सिनेमा उद्योग हॉलीवुड के तर्ज पर रखा गया है। हिंदी फिल्म उद्योग मुख्यतः मुंबई शहर में बसा है। ये फिल्में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और विश्व के कई देशों के लोगों के दिलों की धड़कन है। इन फिल्मों में हिंदू की हिंदुस्तानी शैली का चयन है। हिंदी और उर्दू के साथ साथ अवधी, बम्बईया, भोजपुरी, पंजाबी जैसी बोलियां भी संवाद और गानों में यूज होती है। प्यार, देशभक्ति, परिवार, अपराध, भय इत्यादि मुख्य विषय होते हैं। ज्यादातर गाने उर्दू शायरी पर आधारित होते हैं। भारत में सबसे बड़ी फिल्म निर्माताओं में से एक है। अगर बात करें बॉलीवुड की तो बॉक्स ऑफिस की कमाई का 43% प्रतिनिधित्व किया जाता है। वहीं जबकि तमिल और तेलुगु की बात करें तो सिनेमा 36% का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षेत्रीय सिनेमा की बात करें तो साल 2014 में 21% का है। बॉलीवुड में भारतीय संस्कृति को, भारत की आत्मा को मिटाने का कार्य दशकों से किया जाता है और यह नेपोटिज्म, अभारतीयकरण, सनातन धर्म विरोध, भारतीय सेना का निरंतर अपराध और पाकिस्तान प्रेम, भारत का अंतरराष्ट्रीयकरण और 2019 के लॉकडाउन में बड़ी फुहड़ता, अमर्यादा, अनैतिकता और अश्लीलता के कारण आम जन के निशाने पर आ गया है। और इसका बहिष्कार भारत में 2019 से ही निरंतर जारी है। इसे अब कुछ सालों से कराची भुटिया उर्दू भी कहा जाता है। कोरोना काल के बाद हिंदी सिनेमा जगत के लिए बहिष्कार ही जारी है। आए दिन किसी भी फिल्म या कलाकार को सोशल मीडिया पर बायकॉट किया जाता है। रिलीज से पहले ही फिल्मों का बहिष्कार किया जा रहा है। तो ये था भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का शुरुआत से लेकर अब तक का सफर। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मजेदार खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।